अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ। चार पांच दिन बाद भाई हमें टाइम लगा। टाइम क्या लगा भाई, जैसा कि कमेंट में पढ़ रहा था तो एक कमेंट ये आया था कि भाई जो आपको नई गाड़ी की चेसी मिलती है तो उसके साथ जो आपने टूल किट ली है उसमें यार भाई जो टूल किट आपको मिली थी उसमें क्या क्या होता है, क्या एक्सेसरी मिलती है या क्या आपको स्पेयर पार्ट मिलते हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग करके बताओ। तो आज हम वही करेंगे। तो एक बार फिर से भाई ऐसे कमेंट करता रहे करो कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे आपने दे दिया हमें एक कंटेंट का आइडिया मिल गया, वरना ब्लॉग तो कोई बन नहीं रहा था, क्योंकि ब्लॉग तो बन जाते हैं लेकिन रोज़ की सेम रूटीन है तो फिर वो आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने का। मुझे नहीं मज़ा आता बनाने का रोज़ सेम चीज़, तो आपको कहाँ मज़ा आएगा देखने का। तो ऐसे ही कमेंट करके बताते रहे करो भी किस चीज़ में बनानी चाहिए वीडियो, तो जो बढ़िया आइडिया लगेगा वो हम उठाएंगे और उसमें वीडियो बनाएंगे। चलो भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। डाले बोलते ही बना। और भाई उधर देखो। हेलो गाइस, गाइस नीचे आ जाओ, अनबॉक्सिंग कराओ हमारे साथ। अरे भाई हमारा बजट और हाई हो गया है, एक कैमरा मैन एक हेल्पर, आ जाओ नीचे। आखियो कहना हो तो जान ले। तो भाई यहाँ पे सामने आप देख सकते हो धूप आ रही है, तो प्रॉपर शूट नहीं हो रहा, कलर नहीं आ रहे। कलर क्या भाई, हम काले आ रहे तो इसलिए हम थोड़ा साइड में लेके जाएंगे, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो कलर लेके चलते हैं। एक मिनट तो इतना बता दूं, ये इतना भारी भी नहीं है, हल्का है काफी। एक एक करके आपको अनबॉक्स करके बताते हैं कि कौन कौन सी आइटम है, किस काम आती है और क्या क्या कंपनी हमें देती है और क्या देना चाहिए था जो नहीं देती है। वैसे तो मुझे तो मालूम ही है इसके बीच में क्या क्या मिलता है, तो जिसने भी नई गाड़ी कंपनी से उठाई होगी, चाहे वो टाटा की है, लेलैंड की है, काउल वेरिएंट उठाया होगा, तो उसे ये सब एक्सेसरी मेरे को लगता है देखने को मिलेगी। देखने को क्या, क्योंकि ये चाहिए होती है नॉर्मल, तो जिन्हें नहीं पता तो आज हम अनबॉक्स करके बताते हैं। रुक नहीं, रुक रुक बोल। सबसे पहले क्या हो सकता है इसके अंदर, गैस क्या, ये तो देखने में पता चलता है भाई। पार्किंग साइन या रेड ट्रायंगल बोल लो, जो भी आप कहना चाहते हो, ये देख सकते हो आप। ये जब बाय चांस अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या कहीं आपको ऐसी जगह पार्क करना पड़ जाए गाड़ी जहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, तो आप इसे दो मिलते भाई, ये देख सकते हो आप। तो आप इसे एक गाड़ी के आगे लगा सकते हो, एक गाड़ी के पीछे लगा सकते हो, तो ये रिफ्लेक्ट करते हो ताकि जो सामने वाली गाड़ी आ रही है उसे पता चल जाए, इंडिकेट हो जाए कि कुछ कोई गाड़ी खड़ी है, कोई प्रॉब्लम है आगे, इसलिए। तो ये हमारी पहली आइटम है जो हमें मिलती है कंपनी की तरफ से। हम निकालने वाले हैं अपनी सेकेंड आइटम निकाल। तो ये है भाई फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आग उग लग जाए बाय चांस, लगनी तो नहीं चाहिए लेकिन अगर बाय चांस ऐसा कोई केस हो तो ये हमें मिलता है साथ में। भाई आग यहाँ लगी है, ये मैं डालूंगा। साथ में इसका स्टैंड मिल जाता है, आप देख सकते हो 3 होल दी है, आप कहीं भी गाड़ी में फिट करवा सकते हो, कोई गाड़ी के मिरर के साथ करवाता है, कोई सीट के साथ, जहाँ अपनी चॉइस हो भाई यहाँ फिट करवानी है तो ये मिलती है। ये एक ज़रूरी आइटम है जो गाड़ी के साथ होनी चाहिए, ये ऐसे फिट हो जाती है। तो ये हमारे सेकंड आइटम है। अब हम निकालें थर्ड आइटम। भाई इस आइटम से ना तुम अपनी बॉडी भी बना सकते, तुम्हारी बन गई ऐसे। तो ये है भाई हमारे जो पाने होते हैं, टायर लीवर वगैरह होते हैं जो टायर खोलने के लिए, ये आप देख सकते हो
30 मिल जाता है टायरों के नट नट खोलने के लिए, 30 और 32 नंबर का। यहाँ एक साइड 30 नंबर का है, दूसरी साइड 32 नंबर का है, और इसके बीच में पेचकस मिल जाता है भैया आपको एक, और क्या है एक पाना मिल जाता है भाई 24-27 का, गाड़ी की स्टेपनी खोलने के लिए मेनली। बस एक लास्ट जो लास्ट बचा है वो है टाइट लीवर। बस गाड़ियों में इतनी चीज़ों की ज़रूरत तो होती नहीं है, आपको जैसा मालूम ही है कि ज़्यादा आइटम में चाहिए, लेकिन ये 3-4 सामान देखे तो बस चार तो बस इसी में पूरा कर देते। 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, कम से कम जो गाड़ी के चाबी भी पाने हैं वो तो हर एक नंबर के होने चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो अब हम क्या कर सकते हैं, कर दे बैग से पैकिंग का ठेका इनको दिया है। फर्स्ट एड किट हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं और ये फर्स्ट एड किट है, तो बहुत बड़ी। इसमें एक पट्टी मिल जाती है, बैंडेज वगैरह, एंटीसेप्टिक क्रीम मिल जाती है आपको, बस यही है, कुछ खास नहीं है इसमें, 3-4 बैंडेज है और ये सामान मिल जाता है। हाँ ये सामने लिखा हुआ है, मतलब टोटल 7 हाइट में मिलती है और कुछ नहीं, बस ये तो ये इसकी फर्स्ट एड किट है। काफ़ी छोटी हुई फर्स्ट एड किट है इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बावजूद भी। लास्ट आइटम जो हमारी बचती है वो थोड़ी बड़ी है, और मेन आइटम है ये, मेन भी क्या कह सकते हैं, ये बड़ा बॉक्स जो इस बॉक्स के अंदर है। गल बात तो जो लास्ट है ये हमें मिल जाते हैं गाड़ी के मीटर, आप देख सकते हो 2 बड़े मीटर है इसमें साइड, वो तो पता ही है साइड मीटर है, मैं क्या पता नहीं हो। और एक ये मीटर है जो आमतौर में हम यहाँ लगाते हैं गाड़ी को, तो बाकी इधर नहीं, तो बाकी ये छोटे मीटर थे, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। और इस बॉक्स में तो एक ये हमें ब्लाइंड स्पॉट कवर करने के लिए मीटर मिल जाता है, जो कि ऊपर आता है गाड़ियों के आजकल, तो ये मीटर मिल जाता है, बस ये 3-4 मीटर मिलते हैं और कुछ नहीं। लॉगिंग वही अनबॉक्सिंग, तो बस पैक करते हैं फिर करते हैं बात के नाम पे। बस यही आइटमें मिलती है हमें, जो आपको बता दी है 4-5, ये अलग ही फील उठा रहा है गन वाली। तो अभी इसे दोबारा पैक कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी इन आइटमों की ज़रूरत पड़ेगी जब गाड़ी बन के रेडी हो जाएगी, तो अभी इसे पैक कर देते हैं वापस, ज़्यादा टाइम लग शुरू। तो भाई ये कुछ आइटम थी जो हमें नई जैसी लेने के बाद मिलती है, चाहे आप 6 चक्का लो, 10 चक्का लो, 12-16 जो भी कॉल वेरियंट लोगे उसके साथ आपको ये आइटम देखने को मिलेगी। हालांकि एक चीज़ हो रहा है कि जब आप गाड़ी लेते हो तो आपने देखा होगा, मैंने जो रिव्यू किया था 14 चक्का का, तो उसमें एक सिंगल विंडशील्ड दी गई थी, उसमें एक वाइपर था, दूसरी तरफ का वाइपर नहीं था, ना वो टूल किट में मिला है ना कंपनी की तरफ से ऐसे मिला है, वो हमें आफ्टर मार्केट ही लगाना पड़ेगा। तो ये कमी है कि अगर एक वाइपर दे रहे हो तो दूसरा वाइपर भी देना चाहिए कंपनी ने। तो बाकी और भी बहुत सारी मेन आइटम ज़रूरत होती है, जैसे कि जैक रार हो गए, वो भी गाड़ी को चाहिए होते तो वो कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए, लेकिन कंपनी देती नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये कुछ आइटम है जो मिलती है हमें। तो भाई धूप आ चुकी है दोबारा, तो थोड़ा छांव में जाके फिर वहाँ से आप के साथ बात करते हैं। कस्टमर नंबर दे दो अपना अपना। तो बाकी कमेंट भी बहुत आ रहे थे कि भाई जो आपने 12-1 का 14-1 का जो दोनों की वीडियो अपलोड होगी अब तक, तो उनमें कमेंट आ रहे थे कि भाई बॉडी कहाँ से बनेगी इनकी, तो बॉडी वही आपको पता ही है सरंध में बनेगी। तो बाकी और भी कई सवाल है तो उनका भी जवाब देंगे, तो ऐसे कमेंट करते रहो कि हमें क्या क्या नए आइडियाज़ में काम करना चाहिए, नया कंटेंट क्या, जैसे कि
अभी आपने ये आइडिया दिया था कि टूल बॉक्स की अनबॉक्सिंग करो, काफ़ी अलग लगा मुझे ये आइडिया, तो इसलिए हमने इसमें शूट कर दिया। साथ में हमारे पास भी कंटेंट नहीं था तो वीडियो बन गई हमारी, भी सीधी सी बात है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ होती है तो उसमें क्या शूट करें रोज, तो ये अलग मिला तो हमने शूट कर लिया। बाकी आपने 50 के करवा दिए तो 100 के जल्दी करवाओ, 100 के लिए एक प्रोजेक्ट सोच के रखे, तो जिस दिन आप 100 के करवाओगे उसी दिन वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि कल ही 100 के करवा दो तो कल ही कर देंगे प्रोजेक्ट शुरू। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर ले, सेम आईडी है, वहाँ भी 50 के होने वाले हैं तो वहाँ भी जल्दी से जल्दी 50 के करें। बाकी फेसबुक पेज भी पोस्ट डाली थी मैंने, वो भी ओपन किया तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं, वहाँ 5000 फॉलोअर्स कर दो, बहुत है हमारे लिए। तो ऐसे अपनी सपोर्ट बनाए रखो और कमेंट करके बताते रहना कि कौन कौन से आइडियाज़ में या कंटेंट में काम करना चाहिए, अलग अलग आइडिया दो हमें, क्योंकि वही बात आ जाती है भाई डेली व्लॉग बनाने हैं तो सेम चीज़ तो नहीं बना सकते, क्योंकि आप ऑडियंस हो तो ऑडियंस को हर वक्त एक नई चीज़ चाहिए, सेम चीज़ तो आप कहीं देखोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे चैनल है, मेरा अकेला चैनल नहीं है। तो ऐसे सपोर्ट बना के रखो और कमेंट करते रहो।